नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप पिंपल्स को कैसे रातों रात बाय बाय कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो अचूक नुस्खा कौन सा है पिंपल्स को रातों रात दूर भगाने का। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में हमें सबसे ज्यादा एक चीज की प्रॉब्लम होती है और वो होती है पिंपल्स की प्रॉब्लम। जी हाँ, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी और गंदगी के कारण हमारी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे में आप अपने पिंपल्स की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसे अचूक नुस्खे बताऊंगी गाइस, जिसकी हेल्प से आप अपने पिंपल्स की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ गाइस, एक या दो या तीन या चार पिंपल्स की। अगर आपके फेस पर एक, दो, तीन, चार पिंपल भी हो गए हैं तो आप अपने फेस पर लहसुन की एक कली लीजिए। जी हाँ, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं इस वक्त, ये छोटी सी एक लहसुन की कली है। ये देखिए, इस तरह से ले लीजिए, उसे अच्छे से छील लीजिए, इसका छिलका उतार लीजिए और इसे वॉश कर लीजिए। और इसके बाद आप इसे अपने फेस पर लगा लीजिए। जहां पर भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वहां पर ही आपने इसे लगाना है, पूरे फेस पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहां 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 फेस पर दो तीन चार पिंपल भी हैं तो आप इस कली को लगा लीजिए अपने फेस पर, या फिर आप इसे थोड़ा सा क्रश कर भी लगा सकते हैं। जो इसका अर्क होता है, यानी कि इसका जो थोड़ा सा जूस निकलता है, वो आपने अपने फेस पर लगा लेना है। आप इसे थोड़ा सा कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने के बाद आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं जहां भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है। इससे आप देखेंगे, अगर आप इसे रात को लगाकर सोते हैं ना गाइस, तो आप इसे देखेंगे कि नेक्स्ट डे तक आपका पिंपल्स जो है बिल्कुल गायब हो चुका है और ना ही पिंपल्स का कोई दाग रहा है। तो ये था मेरा पहला नुस्खा। सेकंड में यहाँ पर बात कर रही हूँ गाइस कि अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप अपने फेस पर डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल को अप्लाई कीजिए। उस जेल को पूरे फेस पर लगा लीजिए, ओवरनाइट उसे लगा रहने दीजिए और नेक्स्ट डे आप अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। ध्यान रहे फ्रेंड, ये जो मैंने एलोवेरा वाली बात आपको बताई है, एलोवेरा जेल आपने डेली अप्लाई करनी है, एक भी दिन बीच में मिस नहीं करना है। कि आप ये ना बोले कि एक या दो बार लगाइए और ठीक तो हुए नहीं है। देखिए, कोई भी डीआईवाई नुस्खा अगर आप करते हैं तो वो आपने रेगुलर करना होता है, तभी आपको उसका जो है बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो आप एलोवेरा जेल को डेली अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरा जो दोस्तों मैं आपको नुस्खा बताने जा रही हूँ वो है आइस क्यूब। जी हाँ, आप डेली अपने फेस पर बर्फ लगाइए। दिन में जितनी बार भी आपको टाइम मिलता है ना, अपने फेस पर उतना बर्फ को अप्लाई कीजिए। क्योंकि अभी समर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, विंटर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी ना लगती हो तो विंटर्स में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बर्फ बहुत ही बेहतरीन होती है हमारी स्किन के लिए और बर्फ बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है एक्ने और पिंपल्स वाली स्किन के लिए। तो उस पर आप आइस क्यूब लगाइए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स और एक्ने दूर हो गए हैं और साथ ही साथ ये आपके दाग धब्बों को भी रिमूव करने में हेल्प करती है। तो आप आइस क्यूब भी जरूर लगाइए गाइस, ये भी बहुत ही इफेक्टिव है और इसे प्लीज एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। और आइस क्यूब आपने डेली लगानी है, ऐसा नहीं है कि आपने एक या दो बार लगाई और पूछा कि वर्षा ठीक तो हुए नहीं है, तो ऐसी बात नहीं करनी है। डेली आपने अप्लाई करना है तभी आपको इसके जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट उसका बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो भी बहुत ही इफेक्टिव है और ये चीज आप सभी के घरों में आई एम श्योर अवेलेबल भी होगी। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कोलगेट टूथपेस्ट की। अगर आपके फेस पर कहीं पर भी एक या दो तीन चार पिंपल हैं तो आप अपने फेस पर थोड़ी सी कोलगेट लगा लीजिए। थोड़े बहुत पिंपल्स के लिए ये इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर पूरे फेस पर पिंपल है तो उसे मैं अप्लाई करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, नहीं बोलूंगी। हाँ, दो तीन चार पिंपल के लिए अगर आपको है लगानी है कोलगेट तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इसे पूरी रात लगा रहने दीजिएगा, नेक्स्ट डे अपने फेस को वॉश कर लीजिए। एंड में दोस्तों, मैं आपको जाते जाते यहाँ पर कुछ हेल्पफुल टिप्स देना चाहूंगी, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो हमें पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहिएगा। फास्ट फूड को बहुत ज्यादा मत खाइए गाइस, क्योंकि तले हुए पदार्थों से भी आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए तले हुए पदार्थों को खाने की मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, इसलिए हमें जंक फूड भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों कि जितना हो सके जूस लीजिए, पानी पीजिए खूब सारा और खूब सारे जूसेस लीजिए, जितना भी लिक्विड चीजें होती हैं वो सब पीजिए। हाँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। और ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाइएगा, ड्राई फ्रूट जरूर शामिल कीजिए अपने मील में और भुने चने की चाट, भुने चने भी खा सकते हो। हेल्दी चीजें खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से भी हमारी स्किन पर बहुत अच्छा एक ग्लो आता है और एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो जितना हो सके हेल्दी डाइट लीजिए, इससे भी आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी।
समर्स में एक चीज का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप धूप में बाहर जाते हैं या घर पर भी रहते हैं तो प्लीज सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो सनस्क्रीन हमें जरूर लगाना चाहिए चाहे आप घर में रहें या बाहर रहें, क्योंकि घर में अक्सर जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते हैं तो इसकी रेज भी हमारे फेस पर पड़ती है और जिसकी वजह से हमें एक्ने और पिंपल्स होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी धूप में बाहर जाएं या घर में रहें सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन लगाने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप अपने फेस को कवर नहीं करोगे। जब भी आप धूप में बाहर जाएं तो अपने फेस को अच्छे से कवर कर लीजिए, ढक लीजिए और सनग्लासेस जरूर पहनिएगा ताकि आपकी आंखों का भी बचाव हो सके। और सूरज की किरणें भी हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, तो इसलिए इन किरणों से अपने फेस को बचाइए ताकि आपको टैनिंग की प्रॉब्लम ना हो। और जो भी टिप्स मैंने आपको इसमें बताए हैं वीडियो में, तो इन्हें फॉलो कीजिएगा, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स जो है वो गायब हो जाएंगे। और बहुत जल्द दोस्तों मैं टैनिंग के लिए भी एक फेशियल लेकर आ रही हूं। जी हां, मैं आपके साथ D10 फेशियल शेयर करने जा रही हूं, बहुत जल्द आप मेरे चैनल पर देखेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस करना होगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।